आजकल सबको तो पद चाहिए, एमएलए एमपी सबको बनना है, एमएलसी बनना है, राज्यसभा बनना है, कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए। कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में, मान लो हम पिछले बार 150 लड़े हैं, तो 150 लोगों को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया। त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया जेडीयू से। देखिए अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है कोई उधर आता है, आजकल सबको तो पद चाहिए, एमएलए एमपी सबको बनना है, एमएलसी बनना है, राज्यसभा बनना है, कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए। लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है, मान लीजिए 243 सीट है ना, तो कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में, मान लो हम पिछले बार 150 लड़े हैं, तो 150 लोगों को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया। हम लोग चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग का जो विचारधारा है उस पर खड़े रहे। मंडे को है ना डेट, मंडे को तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि भाई हम अपना पक्ष जो है रखेंगे, वही मंडे को लिस्टिंग हुई है। तो हम लोग तो पूरी तरीके से जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था बिहार सरकार अगर यहाँ पक्ष रखती अच्छे से हाईकोर्ट में तो खारिज हो जाता मामला, एज इट इज आरक्षण रहता। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री अगर आरक्षण के हित में होते हैं तो उसको शेड्यूल लाइन में डालते हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री के